श्योपुर से खबर है जहां पर ग्रामीणों ने एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, एम्बुलेंस को रोककर उस पर पथराव कर दिया। कोरोना संक्रमित मरीज को एम्बुलेंस लेने के लिए पहुंची थी, मरीज के परिजन और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। विरोध के चलते जान बचाकर वहां पर मेडिकल स्टाफ भागा। ककरधा गांव की सहरिया बस्ती का ये मामला है। तो ऐसे कई मामले हम देख चुके हैं इंदौर में भी, जब मेडिकल स्टाफ पर पत्थरबाजी हुई थी, और अब श्योपुर से ही ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ग्रामीणों ने एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया। कोरोना संक्रमित मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंची थी, लेकिन विरोध के चलते, विरोध किया ग्रामीणों ने इसका और उस पर पथराव कर दिया एम्बुलेंस पर। जैसे तैसे मेडिकल स्टाफ वहां से भागा अपनी जान बचाकर। ककरधा गांव की सहरिया बस्ती का ये मामला है। जब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी, तब हमने देखा था कि किस तरीके से मेडिकल स्टाफ पर पत्थरबाजी हुई थी। इंदौर में हमने देखा किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अजय राठौर से। अजय, क्या कुछ जानकारी है, ग्रामीण किस बात का विरोध कर रहे थे जिससे पथराव कर दिया? देखिए, जो ककरधा गाँव है वो आदिवासी बस्ती है, और वहाँ पे सीताराम आदिवासी जो भाजपा के विधायक है उनका भी गांव है। और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का, तो जिला अस्पताल की कोरोना लैब से जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया था जो ककरधा गांव का था। उसके बाद जो एम्बुलेंस है वो संक्रमित व्यक्ति को लेने उसके गांव ककरधा पहुंची थी, और वहां पर उसके परिवार के लोगों ने उसका एम्बुलेंस से अस्पताल में जाने का विरोध किया था। और उसके बाद जब वो लोग नहीं माने तो ग्रामीण जो है वो आक्रोशित हो गए, और साथ में संक्रमित व्यक्ति के परिजन जो है वो नाराज हो गए। उसके बाद जो ग्रामीण है, महिला पुरुष, उन्होंने एम्बुलेंस को खदेड़ा और एम्बुलेंस पे पथराव और लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही कि एम्बुलेंस स्टाफ जो है वो घटना को भांप गया, और उसके बाद वहां से उन्होंने निकलने में भलाई समझी। तो कहीं ना कहीं ये अशिक्षित लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना किस तरीके से घातक हो रहा है और एक दूसरे से फैल सकता है। फिलहाल अभी बिल्कुल बिल्कुल अजय, जागरूकता की बेहद कमी है लोगों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने श्योपुर से ऐसा मामला सामने आया जहां पर जागरूकता की बेहद कमी नजर आती है लोगों में। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया, एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार।